खबर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां गौमूत्र टैंक में गिरने से पति और पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल यह पूरा मामला मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिठोरिया नंबर 2 का है, जहां पर सुबह समय बदायूं निवासी 40 वर्षीय मटरू लाल गौमूत्र टैंक को साफ करने के लिए उतरे तो अचानक वह टैंक के अंदर ही बेहोश हो गया, जिसे देखकर मटरू की पत्नी 35 वर्षीय रानी टैंक में चली गई और अपने पति को बाहर निकालने लगी, लेकिन टैंक के अंदर गैस से उनका भी दम घुट गया और दोनों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों लोगों का पंचनामा भर दिया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों पति और पत्नी बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक गौशाला में वह कई सालों से काम कर रहे थे। इसके तहत ही सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ये हमारा बिठोरिया का इलाका है। आज सुबह 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बायोगैस प्लांट है, उसमें टैंक में घुसकर सफाई करने के दौरान एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई थी। फिर उनकी पत्नी ने उनको बचाने का प्रयास किया तो दोनों लोगों को अभी हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी इस केस में पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है, साथ में पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये दोनों लोग काफी वर्षों से यहाँ पर रहते थे ऐसा पता चला है और उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं। और प्लांट कितने सारे और प्लांट जो